नमस्कार, स्वागत आपका पांच शहर पांच खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से पांच बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। तो पांच तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए। बात करेंगे एक बार फिर भोपाल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। राजधानी में पहली बार पेट्रोल के दाम 90 रुपए के पार पहुंच गए। दूसरी खबर में बात होगी शहडोल की, जहां जिला अस्पताल में शिशुओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तीसरी खबर में बताएंगे कैसे निकाय चुनाव से पहले भोपाल के मतदाताओं ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। चौथी खबर छतरपुर जिले से, जहां गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। तो राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से पहली बार भोपाल में पेट्रोल के दाम 90 रुपए पार चले गए। आलम यह है कि राजधानी में रविवार को पेट्रोल 90.05 रुपए प्रति लीटर बिका है, वहीं डीजल भी 81.29 रुपए के रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से आम आदमी की परेशानियां बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही लगातार बढ़ोतरी से मध्य प्रदेश सरकार को पेट्रोल डीजल के से 341 करोड़ रुपए ज्यादा कमाई हो रही है, मगर सरकार टैक्स कम नहीं कर रही। सरकार अब तक इस साल पेट्रोल पर 9% और डीजल पर 8% तक टैक्स बढ़ा चुकी है। राज्य सरकार की तरफ से अभी प्रदेश में पेट्रोल पर 39% और डीजल पर 27% टैक्स वसूला जा रहा है। वहीं पिछले वर्ष पेट्रोल पर 30% जबकि डीजल पर 20% तक का टैक्स वसूला जा रहा था। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों की वजह से आम आदमी और व्यापारी वर्ग में राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी है, तो वहीं विपक्ष भी अब सवाल पूछ रहा है। मोदी जी ने बरसाया है प्यार, पेट्रोल हो गया 90 के पार। आज पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में ये पेट्रोल का जो नया मूल्य वृद्धि हुई है, उससे जनता के ऊपर महंगाई का एक और हथौड़ा मारा गया है। पूरे देश के अंदर आज जनता जब कोविड से परेशान है, जब जो है रोजगार उसके पास नहीं बचा, बेरोजगारी है, धंधा नहीं बचा है, तब सरकार मुनाफाखोरी करने में लगी है पेट्रोल के नाम पर। पूरी दुनिया में क्रूड के दाम घट रहे हैं और भारत के अंदर जो है छलांगे मार रहा है पेट्रोल और डीजल, जबकि क्रूड की कीमतें सस्ती हैं। महंगाई की मार और ऊपर से पेट्रोल डीजल ने तो आफत ला दी है, और ऐसे में विपक्ष क्यों ना पूछे सवाल। तो कह दिया है विपक्ष ने भी कि क्रूड ऑयल की कीमतें कम, फिर भी वसूली कर रहे हैं आप। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो 90 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है प्रति लीटर, और इसी के साथ डीजल की भी कीमतें अब आसमान छू रही है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अंकुर अधवरी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। महंगाई कम करने की बात तो छोड़िए, यहाँ तो उल्टा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आपको राजस्व निकालना है, आपको अर्निंग करनी है, तो आप आम आदमी की कमर तोड़ेंगे। अब जनता समझदार है, हर तरफ से इसको लेकर रोष है, और विपक्ष भी इस मामले में सवाल पूछ रहा है कि जब क्रूड ऑयल के दाम कम तो देश में मध्य प्रदेश में क्यों इतना महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। जी बिल्कुल पारो, मैं आपको बता दूं, लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी की कमर इससे टूट रही है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा अगर कह सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम है। पेट्रोल की जो वर्तमान अभी कीमत है 90.05 रुपए और डीजल की 81.29 रुपए कीमतें हैं। लगातार पेट्रोल में वृद्धि हो रही, सरकार को पेट्रोल और डीजल से 341 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई है, उसके बाद भी इनके दाम घट ही रहे हैं। लगातार जो प्रदेश का जो टैक्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 39% और डीजल पर 27% टैक्स लगा रखा है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि विपक्ष के द्वारा इस मामले में मोर्चा तो खोला ही जा रहा है, लेकिन आम जनता भी इससे परेशान है कि लगातार जब आपको कमाई है बाकी राज्यों में, उत्तर प्रदेश को ही लगा, जो पड़ोसी राज्य उसको ही देख लें तो मध्य प्रदेश से 7 से 8 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में लगातार डीजल पेट्रोल की दामों में इजाफा किया जा रहा है, जिससे आम जनता परेशान है। बिल्कुल आम जनता परेशान है, और अब ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च बढ़ेगा उससे किस तरह से महंगाई पर असर पड़ेगा ये भी हम देखेंगे कुछ ही दिनों में। अंकुर, जाहिर है अब ऐसे में आम जनता एक बार फिर पूछेगी सवाल कि क्यों आप बार बार दे रहे हैं महंगाई की मार।
तो निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्टेशन का जब खर्चा बढ़ेगा तो बाकी अन्य चीजों पे भी जो आयात होती है सामान या निर्यात होती है उन पर भी फर्क पड़ेगा। वो चीजें भी जो आयात होती है वो महंगी होंगी, चाहे वो डीजल हो, सब्जी हो या अन्य चीजें, सब्जी हो, दूध हो, अन्य चीजों हो, उन सब चीजों पर भी फर्क पड़ेगा। निश्चित तौर पर डीजल पेट्रोल के दाम जिस हिसाब से लगातार बढ़ते जा रहे, पहले स्थिति ये रहती थी कि कुछ एक समय बाद कम कर दिए जाते थे, लेकिन अब लगातार बढ़ रहे हैं। इस मामले लगातार एक के बाद एक बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि सटे हुए राज्य जो है वहां पर इतनी कीमत नहीं है जितनी मध्य प्रदेश में है, तो क्या अब मध्य प्रदेश को ये सोचना चाहिए कि बाकी राज्यों से सीखे कि कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था सिर्फ मध्य प्रदेश की तो खराब नहीं हुई है, बाकी जगहों पर भी असर पड़ा है कोरोना के समय पर। जी बिल्कुल है, बिल्कुल बात सही है। कोरोना की वजह से ऐसा कोई मध्य प्रदेश नहीं है, पूरे विश्व में आर्थिक तंगी आई है, आर्थिक संकट आया है। ऐसे मध्य प्रदेश के अलावा भारत के जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर डीजल पेट्रोल सस्ता है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो उसके और भी तरीके हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ डीजल पेट्रोल, महंगाई का मार तो जनता झेल ही रही है, डीजल पेट्रोल के इस तरह से दाम बढ़े, डीजल पेट्रोल एक आम आदमी की, किसान की, हर आदमी की रोजमर्रा की जरूरत है, ऐसे में लगातार दाम बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश को इसमें सीखना होगा कि आखिर इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल अतिशयोक्ति ना करें हमारे दर्शक की। आने वाले समय पर आपको ये पता चले कि आपकी रसोई महंगी हो गई, आने वाले समय में आपको ये पता चले कि किराया महंगा हो गया, जिस व्हीकल से आप जा रहे थे उसमें फ्यूल ज्यादा डलने लगा, तमाम चीजें हो सकती हैं, महंगा फ्यूल डलने लगा, बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि एक चीज अगर बिगड़ती है और वो खास तौर पर जब इनिशियल हो, फ्यूल हो, और उसके बाद सारी व्यवस्थाएं बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, घर का बजट बिगड़ना शुरू हो जाता है, तो बिल्कुल दर्शक अतिशयोक्ति ना करें। आने वाले समय में अगर आपको पता चले कि आप जो किचन में सामान ला रहे थे वो महंगा हो गया, आप जो सब्जियां ला रहे थे उसमें भी इजाफा हो गया, हर चीज में अब इजाफा होता हुआ नजर आएगा, किसको कैसे कंट्रोल करना है, सरकार को इस पर भी आगे कदम उठाना चाहिए, वरना लगातार बढ़ती महंगाई और आम आदमी की टूटती कमर ये बताती है कि नाराज हुआ अगर मतदाता तो आगे ठीक नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकारें गिरी भी है। बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें परेशान करती हैं आम आदमी को, इसी को लेकर जरूरत हो जाती है कि इन खबरों पर विस्तार से बातचीत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में PICU और SNCU में शिशुओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला अस्पताल में रविवार को 4 बच्चों की मौत के बाद एक और शिशु ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब जिला अस्पताल में रविवार से लेकर अब तक 5 नवजात बच्चों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 3 दिन से लेकर 4 महीने तक की उम्र के बच्चे शामिल हैं। रविवार को अस्पताल के PICU में 3 और SNCU में 1 बच्चे की मौत हुई। इससे पहले भी जिला अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। अस्पताल प्रबंधन लगातार हो रही बच्चों की मौत को छुपाता नजर आ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। नवजात की मौत की खबर लगते ही शहडोल से लेकर भोपाल तक हड़कंप मच गया। इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री खुद अस्पताल पहुंचे थे और लापरवाही के चलते सिविल सर्जन और CMHO को हटाया गया था, जिसके बाद मामला शांत हुआ था। और अब खुद CM शिवराज ने इस मामले में संज्ञान लिया है और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली है। संवाददाता राहुल राणा फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो ऐसा पहले भी हो चुका है ऐसी स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन बावजूद इसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो रही, मंत्री जी आए हटा दिया CMHO तक को, उसके बावजूद भी क्यों प्रबंधन इस मामले में लापरवाही कर रहा है, लगातार क्यों नवजात बच्चों की मौत यहाँ पर हो रही है? राहुल पारू, मैं बताना चाहूंगा, लगातार 2 दिनों से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। इससे पहले जब CMHO थे राजेश पांडे जी थे, उन्हें हटाया गया था, लेकिन उन्होंने फिर अपना साठ गांठ करके वो फिर उस कुर्सी पे आसीन हो गए और फिर एक बार ये मामला सामने आया है। लगातार 6 बच्चों की मौतें हुई हैं और अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ साफ बोल रहे हैं कि बच्चे अति गंभीर अवस्था में लाए गए थे और उनके आने के बाद उनकी यहाँ मौत हो गई। अपनी जिम्मेदारी को अच्छा, एक चीज क्लियर कीजिएगा राहुल, ये आसपास जो जिन बच्चों की मौत होना बताया जा रहा है आसपास के क्षेत्र के ही रहने वाले हैं? क्योंकि अगर तमाम बच्चे किसी गंभीर अवस्था में लाए जा रहे हैं तो क्या आसपास में उन्हें ठीक माहौल नहीं मिल रहा है? क्या उनका वजन कम रहता है? क्या उन्हें पानी ठीक नहीं मिलता है? क्या जो प्रसूताएं हैं उनका वेट कम होता है? क्यों आखिर इसी क्षेत्र से बच्चों की मौत हो रही है गंभीर अवस्थाओं में लाने के बाद? ये तो सवाल है। बिल्कुल, इस चीज को अपन मान सकते हैं कि आसपास में लापरवाही बहुत ज्यादा हो रही है। शहडोल का सबसे संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, 400 बेड का अस्पताल है।
जहाँ लगभग 200 से 300 मरीज पर डे यहाँ पे आते हैं। जिला अस्पताल जो शेड्यूल का है, ये जो दो वार्ड बताए गए हैं PICU और SNCU, इसमें मौत क्यों होती है ये कुछ बता पा रहे हैं डॉक्टर्स डिपार्टमेंट्स में? किस तरह का इलाज दिया जाता है, क्या लापरवाही हो रही है, कुछ तो निकला होगा जब मंत्री जी ने जांच की होगी तो? उस समय इससे पूर्व में जब जांच की गई थी तो डॉक्टरों को, 6 डॉक्टर सस्पेंड हुए थे और CMHO और TS दोनों को निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद जांच में ये पाया गया था कि डॉक्टरों की ही लापरवाही के चलते बच्चों की मौत हुई थी। अभी 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 के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं साफ साफ। इनका ये कहना है कि जिन जिन परिस्थितियों में बच्चों को लाया गया था वो अति गंभीर अवस्था में लाए गए थे। परिजनों से बात हो पाई आपकी, वो क्या कह रहे हैं, कैसी बच्चे की स्थिति थी, डॉक्टर गंभीर बता रहे हैं? परिजनों का आरोप सीधे सीधे आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के चलते बच्चों की मौत हो रही है। जड़ क्या है, क्या वाकई डॉक्टर लापरवाह है, सही तरीके से इलाज नहीं दे पा रहे हैं, या कोई और वजह ढूंढी जाती है यहाँ पर? नहीं, ये बिल्कुल ये है कि डॉक्टर यहाँ पे लापरवाही बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जिन डॉक्टरों को यहाँ पे स्थापना की गई है वो अपने प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे हैं। अधिकांश समय डॉक्टर वहाँ देते हैं, अपने अस्पताल में कम समय देते हैं। नवजात बच्चे या तो वो अभी कोई बीमारी हो तो समझ में आता है कि एक साथ बच्चों की मौत हो रही है, 3 बच्चे एक वार्ड में, 1 बच्चे की मौत हो जाती है, तो क्या कोई पर्टिकुलर बीमारी डिटेक्ट हो रही है या फिर वजन कम है, क्या समस्या क्या बता रहे हैं डॉक्टर कि गंभीर अवस्था में थे तो क्या था? सारे बच्चे क्या वेट कम हो रहा है, सारे बच्चों में क्या सर्दी जुकाम ज्यादा हो रहा है, निमोनिया ज्यादा हो रहा है, क्या वजह बता रहे हैं डॉक्टर, आखिर क्यों हो रहा है? निमोनिया की मेन वजह बताया जा रहा है। सभी बच्चे जिनकी जो गंभीर अवस्था में लाए जा रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है, उनमें सभी में डॉक्टर्स निमोनिया बता रहे हैं जी। ये अपने आप में सोचने का विषय है कि क्या निमोनिया का इलाज नहीं है डॉक्टर्स के पास, या सभी बच्चे जो है उनकी वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं इस बीमारी से, ऐसा तो नहीं हो सकता ना राहुल? अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि पहले भी ऐसे स्वास्थ्य केंद्र पर कार्रवाई हो चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो नहीं छूते, अब आगे आपको लगता है कि कोई कार्रवाई होगी? मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं, ऊपर किसी अधिकारी से या विधायकों से आपकी बात हुई हो, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में? विधायक जी ने भी इसमें गंभीरता से लिया है, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में दिया है मुख्यमंत्री महोदय को, और आज 1:30 बजे आपात बैठक भी लिया है मुख्यमंत्री महोदय ने। और कलेक्टर शेड्यूल कहना है कि अगर लापरवाही बरती गई होगी डॉक्टरों के द्वारा तो मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए राहुल। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा पहली बार नहीं है जब नवजात बच्चों की मौत यहाँ पर हुई हो, इससे पहले भी ऐसी तरह के मामले सामने आए थे, एक साथ 24 घंटे के अंदर 6 बच्चों की मौत हो जाना, जिसके बाद सक्रिय हुए खुद स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ पर CMHO तक को हटाया गया, लेकिन डॉक्टर सही तरीके से यहाँ इलाज नहीं करते हैं, खुद का प्राइवेट क्लिनिक में ज्यादा समय देते हैं, सरकारी अस्पतालों के लिए उनके पास समय नहीं होता, फिर जब बच्चों की मृत्यु होती है तो कहते हैं गंभीर अवस्था में बच्चा लाया गया था, क्या बच्चा गंभीर है तो उसका इलाज नहीं हो सकता? ये सवाल डॉक्टरों को डॉक्टरों से करना चाहिए, जवाब पूछना चाहिए कि गंभीर अवस्था में अगर बच्चा है तो उसे रेफर कर दीजिए, क्यों इलाज कर रहे हैं जब आपके पास इतनी क्षमता नहीं है उन बच्चों के इलाज की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं वोटरों ने भी चुनाव से पहले अपनी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के दबाव बनाने की राजनीति शुरू कर दी है। इसी क्रम में अवधपुरी खजूरी कला विकास मंच के बैनर तले वार्ड 60 और 61 के नागरिकों ने SOS तिराहे से खजूरी बाईपास तक 2 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर और नारे लगाकर 200 फीट तक निर्माण के लिए आवाज उठाई। रहवासियों का कहना है सड़क नहीं तो वोट नहीं। मास्टर प्लान 2005 के नियमों के मुताबिक 200 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है सहित और इसके साथ ही अन्य सड़कों के निर्माण की मांग CM शिवराज से लेकर क्षेत्रीय विधायक कृष्णा गौर मैडम और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि सांसद हैं भोपाल की, उनसे भी की जा चुकी है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह तक से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 30 कॉलोनियों के जो लोग हैं वो वोट नहीं डालेंगे और आने वाले समय में चक्का जाम और अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जाएगा। तो वोटर दिखा रहा है अपनी ताकत और कह रहा है कि हमें सुविधा नहीं तो हम भी वोट नहीं देने वाले, नहीं हम कोई स्ट्रगल करेंगे मतदान केंद्रों तक पहुंचने का। जानकारी देंगे वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सड़क नहीं तो वोट नहीं, राजधानी से सटे हुए एरियाज में ही अगर ये मामला सामने आने लगे तो क्या कहिएगा? यूं तो कहते हैं कि अमेरिका से सुंदर सड़कें सड़कों का जाल बिछा दिया, न जाने कितने हजारों किलोमीटर गिना देते हैं, फिर ये 200 फीट की सड़क क्यों छूटी हुई है? राजधानी से सटे हुए नहीं, राजधानी की ही ऐसी हकीकत है। राजधानी के वार्ड क्रमांक 60 और वार्ड क्रमांक 61 की ये हालत है कि जहां 2000
सन 2005 में जो मास्टर प्लान लागू किया गया था वहां पर 200 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित थी, लेकिन करीबन 15 साल बीतने के बाद भी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कृष्णा गौर से लेकर रामेश्वर शर्मा, नदीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, हर किसी से शिकायत करने के बाद, मांग अपनी का ज्ञापन सौंपने के बाद भी ये सड़क पूरी नहीं हो पाई। न केवल एक सड़क जबकि 7 ऐसी सड़कें हैं जिसका निर्माण कार्य किया जाना था, लेकिन निर्माण कार्य नहीं किया गया। तब नगरीय निकाय के चुनाव भी आने हैं, जनता भी अपने बूथ की ताकत को समझती है, इसलिए कल 2 किलोमीटर लंबी एक मानव श्रृंखला बनाई और मानव श्रृंखला के माध्यम से आरोप लगाया और उसके साथ ही चेतावनी दी कि अब तक तो मांगे हमारी पूरी नहीं की, वो ठीक है, लेकिन अब जब आप नगरीय निकाय चुनाव होंगे, मतलब वोट मांगने के लिए आप आएंगे तो दूर ही रहिएगा, क्योंकि सड़क नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल वैभव, अब क्या किसी जनप्रतिनिधि की आवाज सामने आई है? उन्होंने कुछ कहा है कि इतने समय से 2005 से जब प्रस्तावित है तो अभी तक क्यों यहाँ 200 फीट की सड़क, महज 200 फीट की सड़क नहीं बन पाई, आखिर क्या वजह मान रहे हैं? जनप्रतिनिधि तो 15 साल से आश्वासन दे रहे हैं और अभी भी आश्वासन भी दे रहे हैं कि हमारे संज्ञान में मामला सामने आया है, कल भी हम जहाँ पर सड़क निर्माण करा देंगे, क्योंकि अभी इस पर बात करनी पड़ेगी, सीपीए के अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, नगर निगम के अधिकारी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि राजधानी भोपाल में 5 एजेंसियां हैं जो सड़कों का निर्माण करती हैं, तो ऐसे में सभी एजेंसियों का सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, अधिकारियों से बातचीत भी करनी पड़ेगी। और जब ये सवाल किया गया कि ये सड़क आज की नहीं है, 2005 के मास्टर प्लान में प्रस्तावित की एक सड़क नहीं, ऐसी 7 सड़कें हैं जो कि पूरी नहीं हो पाई है, तो वो कहते हैं कि मामला आप हमारे संज्ञान में लेके आए हैं तो हम जल्दी इस मामले पर कार्रवाई भी करेंगे और बुनियादी सुविधाओं के लिए अब किसी भी भोपाल के निवासी को भटकना नहीं पड़ेगा किसी भी काम के लिए। और वहीं जो रहवासी हैं वो कह रहे हैं कि हम तो 15 साल से भटक रहे हैं, लेकिन इस बार हमने फैसला लिया है कि अगर वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। चलिए तो देखिए, अब वोटर्स जो हैं, नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर जहां जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रचार प्रसार में जुटेंगे, तो मतदाता अपनी परेशानियों को दूर करवाने या फिर समस्याओं को खत्म कराने के लिए वो भी एक फैक्टर के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम वोट तभी देंगे जब हम आप हमारी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दें। 2005 से 200 फीट सड़क जो है वो प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक 2020 चल रहा है, सीधा आप 15 साल पकड़ लीजिए, एक सड़क 200 फीट की यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाई और राजधानी के ही ये हालात है, सोचने वाला विषय। बाकी जगहों के दावे बड़े होते हैं लेकिन धरातल पर तो राजधानी ही ठीक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छतरपुर जिले में गरीबों के हक पर जाकर डाला जा रहा है, समिति प्रबंधक और अधिकारियों के साथ गार्ड से राशन की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है, साथ ही जो सेल्समैन हैं उनकी दबंगाई के चलते ग्रामीणों में भय का माहौल भी बना हुआ है। ताजा मामला छतरपुर की समिति गहरबार से सामने आया, जहां ग्राम पंचायत गहरबार हतनाई नेबरिया के ग्रामीणों ने राशन वितरण दुकानदार और समिति प्रबंधक राजेश यादव पर गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है हितग्राहियों को पात्रता पर्ची में जितना राशन लिखा जाता उतना नहीं दिया जाता, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य की जो योजना का राशन है वो भी नहीं मिल रहा है, साथ ही अंत्योदय कार्ड धारकों से राशन के बदले पैसा लिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है उन्हें महीनों से केरोसिन भी नहीं मिला, राशन वितरण करने का कोई समय निर्धारित नहीं है, लोगों को राशन के लिए 2-2 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। अब ऐसे में जापा ऐसा नहीं है कि आदमी लुवा ले सो गल्ला ओमठा था सो ओमठा नहीं आने सो खाने तुम्हें गल्ला नहीं मिल ले का आदमी फायदे से कर जा सो हम कहाँ से बने लिया आज जी मोड़ी मोड़े न पढ़ाने हैं हमें तो राशन नहीं देते क्या आप? राशन भगा दे है तुम्हारे हाथ नहीं आप सो जाओ अपने घर नहीं है। अबे जो फ्री मिलो 6 महीना को जो मिलो एक दफे मिलो कहाँ मिलो तो चावल मिले थे वो गल्ला भी था तो ये 6 महीना को जो सरकार से यहाँ हुए वो एक भी बार नहीं मिला है, चावल भर मिला है एक भी, हर माँ को कोई पता नहीं चलते जो मिशन बजाया जाते सो देख लेते हैं गल्ला कोटा खुलो सो इसलिए हम पहुँच जाते हैं लेके वो नहीं मिला है 15 दिन हो गए चढ़ाए। हम ये चाहते हैं कि साहब हमारा गल्ला जहीं बटे वो 4 किलोमीटर है यहाँ से गैरवार और वहाँ हमको लेने जाने पड़ते हैं सो इसी हम परेशान हो तो गल्ला ले आती में नहीं ऐसा तो नहीं है हमारे पास आए हो मिलाना हो राशन तो प्रतिदिन बढ़ता है कभी 10 आदमी आते कभी 5 आदमी कोरोना की वजह से बढ़ता है राशन ऐसा कि ज्यादा किसी को खतरा ना हो इस वजह से जनता है तो उनसे कहते हैं कि लगाओ नहीं मानते हैं बोले अब तुम्हें कहे बोले कोरोना को बोले हमको कुछ नहीं होगा। तो राशन नहीं मिल रहा है गरीबों को और पात्रता पर्ची में जितना राशन लिखा होता उतना तो मिलता ही नहीं है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन भी नहीं मिल रहा है।
अंत्योदय कार्ड धारकों से राशन के बदले पैसा लिया जा रहा है, कई सारी समस्याएं और समझने की कोशिश करते हैं। संवाददाता पवन फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पवन, केरोसिन तो मिलता ही नहीं, इन्हें राशन में केवल चावल मिल रहा है, लोगों की जो समस्याएं हैं वो हमने सुनी, क्यों आखिर इस तरह से ये कालाबाजारी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों गरीबों को जो राशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है? पवन जी, मैं बताना चाहूंगा, ये हमारे छतरपुर जिले के ईशानगर अंतर्गत एक व्यवहार समिति है, जिसमें ये तमाम तरह की जो है कालाबाजारी, खाद्यान्न की कालाबाजारी की जा रही है। तो ये इसमें जो हसनाई गांव के जो आदिवासी परिवार के हैं लोग हैं, इनके आरोप हैं कि समिति मेरे को जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये राशन है जो फ्री वाला राशन है, ये तो कोई एक बार जो चावल है वो मिला है, इसके बाद ना यहाँ चावल मिला है ना यहाँ केरोसिन मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसमें इन्हें चावल मिला है, राशन में और भी चीजें हैं वो नहीं मिली हैं। अब ग्रामीणों का कहना है कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब मुझे ये बताइए, जो समिति प्रबंधक है उनसे कोई बातचीत हो पाई इन आरोपों को लेकर, वो क्या कह रहे हैं? उनके यही उनका कहना है कि हमारे यहाँ से मिलता है, लेकिन ग्रामीण बताते हैं यहाँ पर कहीं नहीं मिलता है उनको, और काफी परेशान है वो समिति प्रबंधक जी से। जो कोरोना का हवाला दे रहे थे अधिकारी, क्या कोरोना सिर्फ उन्हीं ग्रामीणों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है? पूरे मध्य प्रदेश में तो राशन वितरण हो रहा है ना मैम। खबर प्रकाशित होने के बाद ही जब रात में वहाँ उन लोगों को बोल दिया जाता है कि आपका राशन मिल रहा है, तो सुबह 7 बजे से संडे को बांटना शुरू कर देते हैं, जबकि दो दो महीने तक नहीं दिया जाता है। इससे पहले होता है दो दो महीने का एक साथ दें या ना दें, एक महीने का दे दें, इस तरह की कई लापरवाही की जा रही है उनके द्वारा। और जब उनसे इस संबंध में पूछा गया तो उनके तो यही कहता नहीं है, पूरा काल दिया जा रहा है ये है। तो किसी और अधिकारियों तक इस मामले में कंप्लेन की है ग्रामीणों ने, कहीं और बातचीत की है ताकि जो ये राजेश जी हैं उन पर कोई कार्रवाई हो सके, जो समिति प्रबंधक है उन पर कोई कार्रवाई हो सके जो वो झूठ बोल रहे हैं? जी, स्थानीय प्रशासन से कई बार, जैसे सरपंच सचिव से उन लोगों ने कई बार कहा है, क्योंकि जो कनिष्ठ अधिकारी है खाद्य विभाग के वो कभी आते नहीं है, समय पर जायजा नहीं लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सबकी दिल भगत होने की वजह से ये सब जो अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है यहाँ पे। जी, अधिकारी देखते नहीं है, जो समिति प्रबंधक है वो अपनी मनमानी चलाता है, मीडिया में मामला आता है तो संडे के दिन भी दुकान खुल जाती है, सामान बिकना शुरू हो जाता है। ऐसे में जब ऊपर से ही लोग नीचे ध्यान नहीं देंगे कि कौन क्या कर रहा है, तो चलने दीजिए कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, फिर क्यों भ्रष्टाचार को खत्म करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जब चिंता ही नहीं है कि जिन गरीबों के लिए राशन निकला है वो उन तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। खबर पर नजर बनाए रखिए और भी अधिकारियों से इस मामले को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। पवन, देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और चलिए बात कोरोना की। मध्य प्रदेश में बेकाबू कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में एक बार फिर 1500 के पार नए केस सामने आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1514 नए मरीज मिले हैं और अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 3250 मरीज कोरोना से जंग हार चुके हैं। हालांकि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1508 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद प्रदेश में अब तक 1,86,000 से भी ज्यादा मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी रोज कोरोना का ब्लास्ट हो रहा है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर राजधानी में बड़ी संख्या में कोरोना के 339 नए केसेस सामने आए हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, 339, जिसके बाद भोपाल में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 31,600 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 517 मरीज अब तक कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो राजधानी में ही विस्फोट, 349 केसेस सामने आए हैं, 1500 के पार मध्य प्रदेश में मामले, कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है। अंकुर अधवारी जानकारी देंगे, संवाददाता, विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सारे प्रयास लगभग लगता है कि मुमकिन कर ही नहीं पा रहे कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, मुमकिन ही नहीं हो रहा कि कोरोना कंट्रोल हो, या फिर प्रयास हो भी रहे हैं सीधा छोड़ दिया गया है जनता के ऊपर कि मास्क लगाइए, क्या वजह देखते हैं आप, क्यों आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश से 1500, राजधानी से 300 के पार? जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर अभी तक की पूरी बात करें तो 2 लाख
4000 से ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में अभी तक हो चुके हैं और आज की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1514 मामले सामने आए हैं। भोपाल में अकेले 339 प्लस 340 के करीब मामले आज आए हैं। निश्चित तौर पर 13 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में हुई है। इसका मुख्य कारण ये है कि लापरवाही, आम जनता की लापरवाही, जो मास्क लगाने का नियम है लोग मास्क नहीं लगाते। कुछ एक लोगों को अगर देखा जाए जो जागरूक लोग हैं वही मास्क लगा रहे, बाकी अधिकांश लोग मास्क नहीं लगा रहे। सरकार के द्वारा जो सख्ती की जाना चाहिए वो सख्ती नहीं की जा रही। बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और जो कार्यक्रम है कार्यक्रमों में लगातार भीड़ रहती है। सरकार की जो गाइडलाइन है उसका ना तो पालन कर रहे हो ना ही सरकार अब कोई सख्ती दिखा रही, जिसका नतीजा ये है कि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हम देख रहे हैं भोपाल से निकलने वाले जो लोग हैं, राजधानी में ही आप आलम देख लीजिए, कोई नहीं रोक टोक रहा। मास्क आप लगाए हो चाहे नहीं लगाए हो, पर्टिकुलर जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं वहां पर जरूर प्रशासन के लोग तैनात हैं और तंत्र तैनात है और वहां रोक कर जरूर पूछा जा रहा है कि क्यों मास्क नहीं लगाया, आइए चालान कटवाइए। साहब इससे होगा क्या? जो चालान कटवा पा रहे हैं उनको तो हैबिट हो गए, यहाँ गले में टांग लीजिए, चालान कटेगा या फिर पुलिस दिखेगी तो ऊपर चढ़ा लेना। निश्चित तौर पर यही करते हैं लोग, क्या गले में टांग लेते हैं मास्क को और जब पुलिस दिखती है तो ऊपर चढ़ा लेते हैं। वही बात करें अगर पुलिस की चेकिंग की तो पुलिस के द्वारा शुरुआत में मास्क को लेकर जरूर सघन चेकिंग की गई थी, लेकिन पूरी पुलिस भी उदासीन हो गई, एक औपचारिकता ही पूरी कर रही है पुलिस। पुलिस भी कोई ऐसी बहुत ज्यादा सख्ती नहीं दिखा रही है, बस अपने सुबह शाम थोड़ी सी सख्ती दिखाती है, बाकी ये दोपहर में और शाम को ये पूरा मामला ठंडा पड़ जाता है। लंच ब्रेक हो जाता होगा अंकुर, लंच ब्रेक हो जाता होगा शायद, इसलिए दोपहर में ठंडा पड़ जाता होगा, लेकिन कोरोना लंच लेने नहीं जाता। ये पुलिस प्रशासन को भी समझना होगा और आम जनता को भी समझना होगा। बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। तो लड़ने से पहले ही जंग हार रहे हैं आप, क्योंकि आप लड़ ही नहीं रहे। जी हाँ, आप जनता, क्योंकि हमें ही तो जीतना है कोरोना से और उसके लिए मास्क का प्रयोग करना है, जिसको आप मजाक में ले रहे हैं। जी हाँ, आपके गले में तो मास्क दिखता है लेकिन आपके चेहरे पर मास्क नहीं दिखता। मास्क लगाने का सही तरीका क्या होता है इसे भी आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके न जाने क्यों इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1500 के ऊपर आंकड़ा चला गया और भोपाल में 339 के पार आंकड़ा चला गया है, लेकिन बावजूद उसके संभल आप नहीं रहे, कोरोना को बुला रहे हैं। पुलिस लंच ब्रेक में दिन में कोई चेकिंग नहीं करती, और चेकिंग क्यों करे पुलिस? क्या आपको आपकी जान की परवाह नहीं? और अगर है तो ध्यान रखिए, कोरोना है आपके आसपास जिससे आपको बचना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।